फंडामेंटल एनालिसिस चैप्टर 3 यूनिट 3 सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉरी इट इज एसएपीएम आई हैव गिवन इन व्हाट्सएप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बट आई एम डूइंग एसएपीएम राइट नाउ नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ सोनू लिमिटेड एंड बोनू लिमिटेड रुपीज इन लैक्स इंफॉर्मेशन गिवन इज Equity capital of 10 each, 200 and 250 lakhs. 12% preference capital, 80 lakhs and 100 lakhs. Okay. Profit after tax, PDI 50 lakhs, 70 lakhs. Proposed dividend, 35 lakhs and 40 lakhs. Market price per share, 25 and 35. This is rupees 25 and rupees 35. ये lakhs में नहीं है, जो last का MPS है ना market price per share, जो यहाँ पे last amount दिया है, वो 25 और 35. यहाँ पे 25 और 35 rupees है, ठीक है? ये जो amount है, rupees 25 per share, rupees 35 per share. Next, you are required to calculate. Earning per share. What is the formula of EPS? EPS ka formula kya hai? Profit after tax minus preference dividend. Preference dividend nikalne ke liye 12% diya hai yahan pe. 12% on the capital amount. 80 lakhs ke upar 12%. Tell me in the chat box. 80 lakhs into 12%. 9.6 lakhs. 9.6 lakhs mein aap ye minus karenge. Profit after tax 50 lakhs hai. Usme se 9.6 minus kijiye. 50 profit after tax minus preference dividend. 9.6 कैसे आया 9.6 80 लाख का 12% ओके ईपीएस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 माइनस 9.6 40.4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे यहाँ पे 200 लाख है 10 से डिवाइड करो तो 20 लाख नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालें 200 lakhs दिया है capital amount को face value से divide करना 200 lakhs divide by 10 20 40.4 divide by 2 20 what is the answer write in the chat box Sonu Limited का answer 40.4 numerator denominator 20 Number of shares. Numerator 40.4, denominator 20. Hello. Write in the chat box. Okay, one answer. 20. 2.02 आ रहा है 2.06 क्योंकि यहाँ पे 200 को आपको 10 से डिवाइड करना है 200 को 10 से क्यों डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए ईपीएस में क्या चाहिए हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर आप डायरेक्टली इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा 200 divided by 10 number of equity shares. Answer is 2.02 EPS. अभी बोनू लिमिटेड का आपको करना है मैंने सोनू का किया बोनू का आप लोग बताइए 250 पहले नंबर ऑफ शेयर्स कर लेते हैं 250 कैपिटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 10 25 हुआ 250 लाख डिवाइडेड बाय 10 फेस वैल्यू 25 हुआ
250 डिवाइडेड बाय 10, 25, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है। प्रेफरेंस कैपिटल का 12% अमाउंट है, तो 100 का 12% निकालिए, 100 इज द प्रेफरेंस कैपिटल, उसके ऊपर 12%। ₹12 आया, ओके। पैट में से 12 माइनस करो, पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, 70 में से 12 माइनस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 12, 70 माइनस 12, 58 डिवाइडेड बाय 25। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 25 लाख, 58 लाख डिवाइडेड बाय 25, 58 डिवाइड बाय 25। EPS बताओ, कमांड्स आर राइट, 2.32। आज कर नहीं रहे हो आप लोग, कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेटर आपको लेना है, टिप करना है आपको, बैठ जाओगे तो मजा भी नहीं आएगा लेक्चर में, आप बताओगे आंसर आपको भी खुशी होगी। EPS तो सबको आता है करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। रमेश पटेल आपके क्लास के स्टूडेंट है क्या, ये मैंने पहली बार नाम सुना है, रमेश पटेल। नेक्स्ट, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। अभी यहाँ पे आप देखोगे मार्केट प्राइस दिया है, न्यूमरेटर है मार्केट प्राइस, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में ईपीएस लिखना। फर्स्ट का ईपीएस 2.02 आया, सेकंड का ईपीएस 2.32 आया, फर्स्ट कंपनी का 2.02, सेकंड कंपनी का 2.32, बराबर। पीई रेशो निकालने के लिए पहले प्राइस लेना है, मार्केट प्राइस 25, 25 डिवाइडेड बाय ईपीएस करो, 25 डिवाइडेड बाय 2.02, 25 डिवाइडेड बाय 2.02, राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। टाइम्स में आंसर आएगा, पीई रेशो में था, टाइम्स में 25 डिवाइडेड बाय 2.02 एमपीएस अपॉन ईपीएस। सोनू का 12.37 आ रहा है, 12.37, और बोनू का 35 डिवाइडेड बाय 2.32, 15.08। बोनू का आ रहा है 15.08 और सोनू का आ रहा है 12.37। आपने वो शायद नाम अलग अलग लिख दिया, ओके ओके फाइन, आपने कैलकुलेट किया वो भी ठीक है, अच्छा है। आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स भी कैलकुलेट करके आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, पी रेशो आ गया दोनों का। नेक्स्ट करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशो। यहाँ पे प्रोपोज डिविडेंड है, ये अमाउंट है, ठीक है,
पेआउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी ईपीएस है, जो भी ईपीएस आया उसमें से आप कितना डिविडेंड दे रहे हो, डिविडेंड का परसेंटेज बताओ, पेआउट मतलब डिविडेंड का परसेंटेज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ईपीएस, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना दे रहे हो। ठीक है, पे आउट का मतलब कहाँ से देखो, प्रॉफिट से ही दोगे ना। पे आउट क्या होता है, अपने प्रॉफिट्स में से देना यानी अर्निंग्स में से देना, तो ईपीएस डिनोमिनेटर हो जाएगा, ईपीएस विल बी डिनोमिनेटर इन डिविडेंड पे आउट रेशियो। व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, इनटू 100 भी करो, परसेंटेज में निकालना है तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। क्या हम लोग को डिविडेंड पर शेयर दिया है, यस और नो? डीपीएस दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया है कि नहीं दिया? डिविडेंड पर शेयर दिया है, देखो। डिविडेंड अमाउंट दिया है, प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट दिया है, उसको नंबर ऑफ शेयर से करना पड़ेगा डिवाइड। प्रोपोज डिविडेंड की इंफॉर्मेशन अमाउंट है, ये रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। इसको पर शेयर कैसे करेंगे, 35 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कीजिए, 200 डिवाइड बाय 10, 20 शेयर्स, 35 डिवाइड बाय 20, 35 डिवाइड बाय 20, डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा, 35 डिवाइडेड बाय 20, शिवानी राइट आंसर, 1.75। आपने डिविडेंड पर शेयर निकाला, इसका ईपीएस कितना था याद है आपको? ईपीएस शिवानी 2.02 से डिवाइड कीजिए, 1.75 को 2.02 से डिवाइड इनटू 100, डिविडेंड पर शेयर 1.75 डिवाइडेड बाय ईपीएस 2.02, इनटू 100 कितना आ रहा है? कमांड सा राइट आंसर शिवानी और हर्ष गाला, 86% परफेक्ट है, 86.63। ठीक है, नेक्स्ट का करेंगे। डिविडेंड पर शेयर निकालना है, प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ है, प्रोपोज डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, 40 लाख डिवाइड बाय 25 लैक्स इक्विटी शेयर्स, 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 25 लैक्स, फोर्टी डिवाइड बाय 25, ओके, वन आंसर 1.61 राइट। हर्ष गाला 1.6 राइट आंसर, ओके। कमान शाह ने निकाल के दिया है, देखिए 1.6 जो आया वो डीपीएस आया, डिविडेंड पर शेयर। ये डिविडेंड हम कहाँ से निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर से निकालते हैं। इसका अर्निंग पर शेयर था 2.32, 1.6 हम कहाँ से देंगे, अपने प्रॉफिट से देंगे, 2.32 पर शेयर से निकालेंगे, डिवाइड कीजिए 1.6 डिवाइड बाय 2.32 इनटू 100, ओके राइट आंसर। कमान शाह, हर्ष गाला, 68.96 शिवानी राइट आंसर, 68.96 इज परफेक्ट। दिस इज द परसेंटेज ऑफ पे आउट फ्रॉम द अर्निंग्स, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज रिटेन्ड।
Rest of the percentage is retained. 100% में से 68.96 हम दे रहे हैं, तो बाकी का अमाउंट हमारा जो रिटेन्ड है वो है 31%, राइट, 31.03. कभी रिटेंशन रेशियो पूछा तो डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल के 100 में से माइनस कर देना. क्यों 100 में से माइनस? बिकॉज 100% आपका अर्निंग्स है, जो भी अर्निंग पर शेयर है वो 100% है, उसमें से आप 68% दे रहे हो, बाकी का रिजर्व्स में एक्यूमुलेट करते हैं. So some amount is retained by company, some amount is paid to dividend, paid as dividend to equity shareholders. Next is ROE, return on equity. Return on equity formula, same formula. EPS में क्या करते थे? PAT में से preference dividend minus करते थे ना. Numerator तो same है, लेकिन denominator में क्या आएगा? Denominator में directly equity capital से divide करना है. PAT minus return on equity बता रही हूँ, नोट करो. Return on equity is equals to profit after tax minus preference dividend divided by equity capital, या equity fund भी लिख सकते, equity fund. अगर क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस दिया है तो वो इक्विटी फंड के अंदर ऐड होगा. रिजर्व्स जो भी होता है प्रॉफिट्स कंपनी का, वो उसके ओनर्स का हक होता है. ऑन प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स आर हैविंग राइट्स ऑन द प्रॉफिट्स. सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड divided by equity capital. देखो यहाँ पर return on equity निकाला है, profit after tax minus preference dividend, fourth number देखिए, divided by equity fund into 100, 50 minus 9.6 divided by 200 into 100. 50 is profit after tax, 9.6 is preference dividend, 12% on 80 lakhs, 9.6 divided by 200, this is equity capital. आना चाहिए यहाँ पे, इन 200 करते हैं तो 20.2%. नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी सेकेंड कंपनी का करना है, 70 माइनस 12 अपॉन 250 इंटू 100. सेवेंटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रेफरेंस डिविडेंड 100 के ऊपर 12%, 250 इज इक्विटी कैपिटल. In 223.2%. Dividend yield ratio. Next, dividend yield ratio is equals to dividend per share upon market price per share. 1.75 upon 25. डिविडेंड हमने निकाला था ना पहले में क्या कर रहे थे, डीपीएस अपॉन ईपीएस कर रहे थे ना, पे आउट में, पे आउट हम अर्निंग्स में से करते हैं,
और यील्ड अगर लिखा हुआ है डिविडेंड यील्ड रेशियो तो क्या करोगे, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। डिनोमिनेटर में प्राइस आएगी किसी शेयर की, सोनू लिमिटेड की शेयर प्राइस है 25 और बोनो लिमिटेड का प्राइस है 35। 1.7 पर पहले भी कैलकुलेट किया है हमने, 1.6 यहाँ पे इंटू 100 करें तो 7% और यहाँ पे 4.57%। डिविडेंड पे आउट मतलब अर्निंग्स में से कितना पे आउट किया, और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ 25 रुपीज किसी शेयर में तो मुझे 1.75 रिटर्न्स मिल रहे हैं, डिविडेंड मिल रहा है, तो कितना यील्ड का मतलब रिटर्न, कंपनी इज गिविंग यू रिटर्न ऑफ 1.75 आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 25। सो 1.75 इज योर रिटर्न्स। यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न। अगर शेयर प्राइस कम हो गया तो रिटर्न्स 1.75 अगर मिल रहा है फिर भी 1.75 रिटर्न्स है, जितना प्राइस कम होगा उतना ज्यादा रिटर्न्स होगा। ओके, सम इन्वेस्टर्स दे विल चेक द डिविडेंड यील्ड रेशियो, उनको हायर डिविडेंड यील्ड रेशियो चाहिए बिकॉज दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट लेस अमाउंट। वो चाहते हैं कि प्राइस कम हो उस पर परचेस करें और हमें डिविडेंड ज्यादा मिले। So investors can refer to these ratios, fundamental analysis. They will check the financial strength of company. Financial strength कैसे पता चलती है, यहाँ पे आप देखोगे सोनू लिमिटेड का ज्यादा है डिविडेंड यील्ड, यानी इसकी प्राइस कम है इसकी वजह से इसमें डिविडेंड जो मिल रहा है वो अच्छा है मिल रहा है। जितनी प्राइस कम होगी उतनी इन्वेस्टमेंट हमें कम करनी पड़ेगी। So we can track the record of dividends every year, we can check how much dividend we are getting and how much price as compared to the dividend. Okay, so this is used by all the investors. They look for companies they are offering high dividend. अगर आपको invest करना है तो आपको dividend yield ratio जिसका ज्यादा है उसमें आप invest कर सकते हो। Sonu Limited will be better for investor who want higher dividend. Okay? And PE ratio कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, जो कम है वो अच्छा है। PE ratio 12 किसका है, पी रेशो 12 किसका लिखा हुआ है बताओ चैट बॉक्स में। हाई पी रेशो इज नॉट गुड, लो पी रेशो इज गुड, क्यों लो पी रेशो, हमेशा तो हम सब ज्यादा ज्यादा अच्छा रहता है, जो हायर अमाउंट होता है अच्छा होता है, लेकिन पी रेशो में कम अमाउंट क्यों अच्छा है। आपका मार्केट प्राइस और ईपीएस, ऊपर क्या दिया है मार्केट प्राइस और नीचे क्या दिया है अर्निंग्स, पी रेशो अगर 12 है इसका मतलब क्या है, 12 times you are paying 12 times to get 1 rupee profit per share, इसका मतलब क्या है, PE ratio 12 times आया, आप 12 times पैसा दे रहे हो तो आप 1 रुपया कमा रहे हो, हमेशा 1 रुपया याद रखना, 1 रुपी याद रखना PE ratio में, 1 रुपया कमाने के लिए आप 12 times ज्यादा पैसा दे रहे हो। यहाँ पे आप बोनो लिमिटेड में 15 टाइम्स ज्यादा पैसा दे रहे हो तभी आपको 1 रुपी प्रॉफिट हो रहा है, तो कौन सा अच्छा है, टेल मी इन द चैट बॉक्स, पी रेशो किसका अच्छा है,
12 टाइम्स पैसा देना कि 15 टाइम पैसा देना? राइट इन द चैट बॉक्स विच कंपनी इज बेटर अकॉर्डिंग टू पी रेशो. यू आर पेइंग, यू आर इन्वेस्टिंग 12 टाइम्स टू गेट 1 रुपी प्रॉफिट एंड यू आर इन्वेस्टिंग 15 टाइम्स टू गेट 1 रुपी प्रॉफिट. Okay, 12 times is better, right? Shivani, right answer. Sonu Limited, yes, good. Harsh Kala, Sonu Limited mein invest thoda karna pad raha hai, lekin Bonu mein jyada investment pe 1 rupya kama rahe hain. Aur iska dividend bhi acha hai, 1.75 hai, aur payout ratio bhi 86.63 hai. Jyada profits wo log de rahe hain. Jin shareholders ko dividend ki bahut zarurat hoti hai. Those investors who are looking for higher dividend payout ratio, they will go for Sonu Limited investments. Those who want capital appreciation, उनको प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी गोनू की, क्योंकि ये ज्यादा रिटेन करते हैं. जब भी हम डिविडेंड रिटेन करते हैं हमारी मार्केट प्राइस बढ़ती है. क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है. जो नहीं दिया पैसा वो पैसा मार्केट में डिविडेंड में नहीं दिया है तो वो अमाउंट पूरा प्रोजेक्ट में लगता है, जिसकी वजह से सेल्स और प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं. तो बोनो लिमिटेड में आपको फाइनेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, सोनो लिमिटेड में आपको डिविडेंड की ग्रोथ दिखाई देगी. सो वी हैव टू लुक एट कंपनीज डिविडेंड. इफ वी वॉन्ट डिविडेंड वी विल लुक एट डिविडेंड. इफ वी वॉन्ट कैपिटल एप्रिसिएशन बोनो लिमिटेड इज ऑल्सो नॉट बैड, इट इज ऑल्सो गुड, बट ओनली द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर एंड द प्रॉफिट्स आर लेस. ओके, सो दिस इज 5 रेशियोज फंडामेंटल एनालिसिस. ये कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में हम कंक्लूजन लिख सकते हैं. सोनू लिमिटेड इज हैविंग P ratio of 12 times, which is good, better than Bono Limited. Bono Limited dividend payout ratio is less compared to dividend payout ratio of Sonu Limited. And return on equity is 23.2 of Bono Limited, which is higher than Sonu Limited. Dividend yield ratio is good of Sonu Limited कंपेयर टू बोनो लिमिटेड. तो ऐसे आप 3-4 लाइन में बता सकते हो पूरा कंक्लूजन.